गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी ऑनलाइन क्लास। टुडे वी डिस्कस बुक वर्क ऑफ चैप्टर 7, गिलहरी और कौआ। हमने लेसन रीड कर लिया, आज हम करेंगे बुक वर्क। तो सबसे पहले है छोटे क्वेश्चन, जो ब्रीफली इनके आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। गिलहरी और कौए में कौन आलसी था और कौन मेहनती? कौन था? कौआ आलसी था और गिलहरी मेहनती थी। दोनों ने क्या करने का निर्णय, मतलब फैसला लिया, खेती करने का फैसला लिया। देन तो चल मैं आता हूँ, कौन कहता था? कौआ। वर्षा में किसकी फसल बह गई? कौए की। उसके बाद खाली स्थान है, नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और कौआ रहते थे। गिलहरी समय पर काम करती थी, लेकिन कौआ कोई काम समय पर नहीं करता था। कुछ दिन बाद बीज में से नन्हे नन्हे, मतलब छोटे छोटे पौधे निकल आए। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट आई। और एक दिन सुबह बादल घिरे और घनघोर, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हुई। उसके बाद किसने किससे और क्यों कहा? देखो बादल घिरने वाले हैं, तुम्हारी फसल ना ख़राब हो जाए। ये गिलहरी ने कहा था कौए को, क्योंकि कौए ने फसल नहीं काटी थी। फिर जाऊँगा जी जाऊँगा, आपको पता कौन कहता था? कौआ गिलहरी से कहा, जब गिलहरी ने कौए से फसल काटने को कहा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो हम नोटबुक में करेंगे। उसके बाद ये हैं, आलस के कारण कौआ गिलहरी के साथ खेत पर काम करवाने नहीं गया, और गिलहरी ने इससे तो उससे अपनी दोस्ती भी नहीं तोड़ी। और कौए के क्या, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? आप कौए को समझाते कि आलस करना बहुत बुरी बात है। गिलहरी ने कौन सी दो से अच्छी बातें सीखी? हम क्या सीखेंगे? मेहनत करना और समय पर काम करना। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है भाषा और व्याकरण। इसमें आपने बेटा संयुक्त व्यंजन, मतलब जो दो अक्षरों से मिलके बने हैं, जैसे अक्षय, क और श से मिलके अक्षय बनता है, तो इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इनका आपने प्रयोग करके ये शब्द बनाने हैं। जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आपने इसको देखकर शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट पर हमारा है शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ देखो उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, जैसे छुट्टी रहती है रविवार को, तो मैंने सही करके क्या लिखा है? रविवार को छुट्टी रहती है। तो आप इसी तरह करेंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें उचित विराम चिन्ह, मतलब जब हमारी बात ख़त्म हो जाती है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर हमने बीच में कहीं पॉज करना है, देन हम कॉमे का यूज़ करते हैं। तो आपने ये खुद करोगे। और उसके बाद गपशप में क्या बिना परिश्रम किए सफलता पाई जा सकती है? हाँ या नहीं सोचकर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो नहीं, आपको पता है परिश्रम मतलब मेहनत, मेहनत किए बिना कभी भी हम सफल नहीं हो सकते। तो ये बेटा हमारा चैप्टर 7 का बुक वर्क है। आपने इसको केयरफुली रीड करना है, देन राइट करना है। आपको इसमें हेल्प हो जाएगी, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।